इधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार में मंत्री पद से वंचित रहने पर बोर्ड कॉरपोरेशन में नियुक्ति का ख्वाब देखने वाले कांग्रेसी विधायकों को झटका लगेगा। बड़ी खबर के तौर पर बता रहे हैं, राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की कवायद के बीच राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी फॉर्मूला तय कर लिया गया है। इस नए फॉर्मूले के मुताबिक विधायकों को केवल मंत्री और संसदीय सचिव बनाया जाएगा, बोर्ड कॉरपोरेशन में उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के प्रभारी और संगठन महासचिव का मानना है कि अगर विधायकों को बोर्ड कॉरपोरेशन में जगह दी जाएगी तो पार्टी के संगठन को मजबूत करने में बरसों से लगे नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होगा। ऐसे में कार्यकर्ता के हाथ निराशा लगेगी। इसके अलावा इस बात पर भी मंथन हो गया है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर गोविंद सिंह डोटासरा बने रहेंगे, लेकिन उनके शिक्षा मंत्री के पद के लिए फैसला सोनिया गांधी करेंगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कल रात को सीएम आवास पर चली चर्चा में मुख्यमंत्री ने अजय माकन और वेणुगोपाल से कहा कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में सभी की सहमति ली जाए, इसमें वर्तमान विधायकों के साथ साथ पार्टी के पुराने नेताओं, स्थानीय लेटेस्ट का भी सुझाव शामिल हो, किसी एक कैंप की बात के आधार पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए।